जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर, उल्टा तुम लोगों ने मेरा सीना हरा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थालापति की लेटेस्ट मूवी लियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आज बॉक्स ऑफिस के ऊपर दूसरा दिन चल रहा है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस मूवी ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कितनी कलेक्शन की। तो वहीं दोस्तों, ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन कितनी कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी थालापति विजय को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनर मूवी बन चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस फिल्म के अंदर हमें थालापति विजय सर के साथ संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन अहम किरदारों में नजर आई हैं और दोस्तों इन सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस हमें इस मूवी में लाजवाब देखने को मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कितनी कलेक्शन करने में कामयाब रही है, वहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होगी या फिर होगी फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना है, तो वहीं दोस्तों इस मूवी को किसकी डायरेक्शन में बनाया गया है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए का था, यानी कि इसको एक बड़े बजट के साथ इस मूवी को बनाया गया था। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लुकेश कंगराज ने। दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म ने सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़कर 2023 के अपने नाम कर लिए हैं। इस फिल्म ने अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन के मामले में लगभग 80 करोड़ रुपये इंडियन ग्रॉस कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 80 करोड़ रुपये इंडियन ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो वहीं दोस्तों मैं अगर बात करूँ ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज से भी लगभग अपने पहले दिन 65 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर दिखाई है। इसी तरह अगर मैं बात करूं फिल्म के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये फिल्म लगभग 145 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करने में कामयाब रही है। इसी तरह दोस्तों इस फिल्म ने बड़ी ओपनर यानी कि 2023 की सबसे बड़ी ओपनर आदि पुरुष, जिसने 145 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी यानी कि अपने पहले दिन, उस मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और साथ ही साथ इस साल की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी जवान का भी रिकॉर्ड इस मूवी ने ब्रेक कर दिया है। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म दूसरे दिन इंडियन ग्रॉस कलेक्शन के मामले में लगभग 65 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। और अगर मैं बात करूं फिल्म के ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन ओवरसीज से लगभग 50 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। इसी तरह ये फिल्म अपने पहले दो दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन के मामले में लगभग 140 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। तो वहीं ओवरसीज से भी अपने पहले दो दिनों में लगभग 115 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो वहीं अगर मैं बात करूं फिल्म के दो दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दो दिनों में लगभग 265 करोड़ रुपए के अराउंड कलेक्शन करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देख ली है, आप लोगों को ऐसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।